हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा उन्मूलन श्रृंखला की आखिरी कॉमिक डोगा अस्त का चौथा भाग। क्योंकि तू अकेला है और मेरे पास है पूरी फौज। पलटन की जरूरत गीदड़ों को पड़ती है निर्मूलक, शेर अकेला ही काफी होता है। बस निर्मूलक, तू यहाँ काफी तबाही मचा चुका। अब हम दोनों के इस युद्ध का फैसला धारा नगरी से दूर होगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज मुंबई। अरे ऐसे कैसे बढ़ा दिए भाई पैसे, मनमानी है क्या? मनमानी नहीं है सर, आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? गवर्नमेंट ने 1 तारीख से ही टोल बढ़ा दिया है। अरे कैसी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? हम बनाते हैं गवर्नमेंट, हम देते हैं वोट, तब जाकर बनती है गवर्नमेंट। और अब ये गवर्नमेंट हमें ही लूटने पर जुटी हुई है, ये सरासर तानाशाही है। 10 रुपल्ली के लिए इतना हंगामा कर रखा है सर आपने, पीछे आने वालों की लाइन लग रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है। आपको लड़ना है सरकार से, लड़ो। अभी आप टोल अदा करके यहाँ से विदा लो प्लीज। लड़ूंगा मैं, अन्याय के खिलाफ बराबर लड़ूंगा और ये टोल का सिस्टम ही खत्म करवाऊंगा। मेरा बस चले तो अभी इन सारे टोल पॉइंट्स पर आग। मुझे इस जगह से दूर लाकर भी तू कुछ नहीं कर सकता डोगा। धारा नगरी आज हर हाल में जड़ से समाप्त होगी। धारा नगरी के बारे में सोचना छोड़कर तू अपनी सोच निर्मूलक, क्योंकि आज के बाद निर्मूलक कहीं नजर नहीं आएगा। आज के बाद तू बस पुलिस की फाइलों और अखबारों की खबर बनकर रह जाएगा। उठने की कोशिश मत कर निर्मूलक, सब खत्म हो चुका है। तेरा सपना, तेरी योजना, और अब जिसे खत्म होना है वह डोगा, तेरा फितूर। वह होगा तेरा फितूर जिसके खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा निर्मूलक, और बच जाएगा तो बस अंश। तुम कैसे जानते हो मेरे बारे में, कौन हो तुम? आज से कुछ साल पहले एक लड़का बेन था, मुश्किलों और इस दुनिया के क्रूर चेहरे से रूबरू होता हुआ मुंबई में पहुंचता है। और फिर एक दिन वह लड़का अपनी हम उम्र बच्चे से मिलता है, जो उसे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक मदद करना सिखाता है। लेकिन एक अपराधी आकर उस बच्चे के माता पिता को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार देता है, उसके ही घर को उनकी चिता बनाकर चला जाता है। लेकिन दोनों की किस्मत में उस समय मरना नहीं लिखा था। लड़का उस बच्चे को बचाने में उसकी मदद करता है, लेकिन वह घटना बच्चे के दिलो दिमाग के साथ ही उसके चेहरे पर भी एक कभी न मिटने वाला घाव छोड़ जाती है। कांच पर उनका बच जाना उन दोनों की मुसीबतों का अंत नहीं था। वे दोनों फिर एक अपराधी के चंगुल में फंस जाते हैं। वह अपराधी उन दोनों को जुर्म की दलदल में ढकेलना चाहता है, अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए तत्पर बच्चा अपराध की दलदल में उतरने को भी तैयार हो जाता है। वह लड़का उस बच्चे को उस दलदल से निकालने में मदद करने की जी जान से कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर एक हादसा उन दोनों बच्चों को अलग अलग कर देता है। सालों बाद वह बच्चा उस लड़के के सामने एक ऐसे रूप में आकर खड़ा हो जाता है जिसकी उस लड़के ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक मददगार स्वार्थहीन बच्चा अब एक बेरहम कातिल बन चुका था, जिससे बचने के लिए अब दुनिया मदद मांग रही थी। तुम ये इतना सब कुछ कैसे जानते हो? इसका इसका मतलब तुम सूरज? हाँ सूरज, यानी तुम ही डोगा हो। हे भगवान, और मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटाने चला था। मिटा तो तुमने मुझे अपनी जिंदगी से उसी दिन दिया था अंश, जब तुम लकड़ के ठिकाने पर मुझे बेहोश छोड़ गए थे। मुझे तुम्हें वहां छोड़ना पड़ा, तुम्हें ही क्या मुझे मुंबई को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा साथ मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रहा था। तुम बार बार मुझे लकड़ के पास से भागने को मजबूर किया करते थे। मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन सकता था तुम्हारा साथ, और मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना था किसी भी हाल में। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस अंश को दोबारा मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो जो उस घर में जल मरा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से कभी नहीं रोका था अंश, मैं तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोकना चाहता था जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर नहीं अपने आप से दूर ले जा रहा था। उस समय मेरे सामने एक वही रास्ता था, और आखिर में तुमने भी तो वही रास्ता अपनाया, हिंसा का, वरना डोगा आज अस्तित्व में कैसे होता? हमारी सोच, हमारे उसूल सभी एक जैसे हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। फर्क इतना है कि तुम तब भी कमजोर थे सूरज, तुम आज भी कमजोर हो। गलत, हम दोनों में कोई समानता नहीं है। डोगा अपराधियों के प्रति कोई नरमी, कोई दया नहीं दिखाता, लेकिन डोगा ने अपराधियों को सजा देने के मामले में आंखों पर पट्टी भी नहीं बांध रखी। निर्दोषों के खून से डोगा ने कभी अपने हाथ रंगे, कभी अपने हाथ ना रंगे, ना किसी को रंगने दिए और ना कभी रंगने देगा। समाज द्वारा बनाया गया कानून बेशक गलती कर सकता है, लेकिन डोगा के कानून में सजा के जो मापदंड है उनके अंतर्गत सजा देने में कोई गलती नहीं हो सकती। आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, डोगा जैसा अपराध वैसी सजा देने में और तुरंत न्याय में विश्वास रखता है। यही है डोगा न्याय, और इस बात का जीता जागता उदाहरण मेरे सामने खड़ा है। तुम न्याय नहीं, यह न्याय नहीं है,
यह तुम्हारी वह कमजोरी है जिसे तुम न्याय का नाम देकर अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हो, अपना स्वार्थ साधते हो। न्याय वह है जो मैंने मुंबई की जनता को दिखाया, तुम्हें दिखाया। आग के बदले आग कितनी किताबी न्याय है। अपराधी शुरुआत मामूली गुंडागर्दी से करता है, फिर हाथ पैर तोड़ना, गंभीर रूप से घायल करना, फिर मर्डर और फिर सीधे सीरियल किलर। आज जिन हाथों में हॉकी और बेसबॉल बैट है, कल वही हाथ चाकू और फिर सीधे ऑटोमेटिक पिस्टल चलाने लग जाते हैं। एक अपराधी के ट्रांसफॉर्मेशन रेट को नापने वाली मशीन आज तक नहीं बनी। तुम चाहे जो कह लो डोगा, मुंबई को अगर अपराध रहित बनाना है तो वही तरीका अपनाना होगा जो मैं अपना रहा हूं। तुम खुद को मुंबई का बाप कहते हो ना, लेकिन एक बाप के रूप में अपने बच्चे के प्रति तुमने अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई? इतने सालों से तुमने आखिर मुंबई को सुधारने के लिए किया ही क्या है? इतने सालों में वो तुम नहीं कर पाए, वह मैं तो मैं चंद महीनों महीनों ही क्या दिनों में करके दिखाऊंगा। एक पिता अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ होता है निर्मूलक। उसे पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और उसे बच्चे की नकेल कब कसनी है। एक छोटी सी गलती की बड़ी सजा बच्चे को सुधारने की जगह बिगाड़ भी सकती है, इसलिए पिता सही समय और सही सजा का चुनाव करता है। मैं मुंबई के हर नब्ज से वाकिफ हूँ, लेकिन तू बाहर गाँव का है निर्मूलक। तू मुंबई के बारे में कुछ नहीं जानता, और मुंबई को जानने के लिए पहले मुंबई से प्यार करना जरूरी है, और प्यार करना शायद तू बचपन में भूल चुका है। रही बात डोगा को मुंबई से उखाड़ने की, तो उसके लिए तुझे आधी मुंबई को जड़ से उखाड़ना होगा, क्योंकि डोगा की जड़ें पूरी मुंबई पे फैली हुई है। फटाक! तेरी दुश्मनी यूसुफ से थी निर्मूलक, उसे तूने उसकी सजा दे दी है, तेरा बदला पूरा हुआ। अब ये पागलपन छोड़ दे। ये पागलपन नहीं है डोगा, ये नियति है यूसुफ की और मुंबई की जो मुझसे जुड़ी हुई है। रही बात तेरी जड़ उखाड़ने की, तो शुरुआत में धारा नगरी से कर चुका हूं, लेकिन इसका अंत तेरे उन्मूलन के साथ ही होगा डोगा। क्लिक, शिव, काक! अगर मैं अब तेरे लिए सिर्फ निर्मूलक हूं, तो तू भी मेरे लिए सूरज नहीं, सिर्फ डोगा है। तेरा सबसे बड़ा हथियार, तेरा आर्मर तो नष्ट हो गया डोगा। तुझे मुंबई और इसके रहवासियों से बहुत प्यार है ना डोगा? खुद को मुंबई का बाप और इन्हें अपना बच्चा कहता है तू? चल देखते हैं कि अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मुसीबत से बचाने के लिए तू क्या कर सकता है। तूने आधी मुंबई की बात की थी डोगा, अगर तुझे मिटाने के लिए मुझे पूरी मुंबई को जड़ से उखाड़ने की जरूरत पड़ी तो मैं वह भी करूंगा। निर्मूलक से मैंने इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा था कि निर्मूलक अपना विनाश धारा नगरी तक ही सीमित रखेगा, क्योंकि उसके मुताबिक धारा नगरी अपराधियों का गढ़ है। स्थिति जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा विकट हो गई है। अपने बच्चों को तकलीफ में देखना दुखद अनुभव है ना डोगा? लेकिन तू किन किन को बचाएगा डोगा? छोड़ दे ये मेहनत मशक्कत, मान ले निर्मूलक की बादशाह, तू अपनी ऐठ में दूसरों की जान को खतरे में डाल रहा है। तेरी छटपटाहट तेरी असफल कोशिशों में साफ झलक रही है डोगा, बंद कर दे यू छटपटाना, क्योंकि अगर तू नहीं रुका तो तेरी छटपटाहट को मुझे खत्म करना होगा, तुझे मौत देकर। डोगा अपने लिए नहीं छटपटाता, या डोगा छटपटाता है मजलूमों पर हो रहे जुल्म पर, उनकी बेबसी पर, और तब डोगा की छटपटाहट बन जाती है काम, उस जुल्म की दर्दनाक मौत। तू अब भी कुछ नहीं कर सकता डोगा, तू अगर मुझसे जीत भी गया तो ये तेरी हार होगी, क्योंकि तब तक मेरे बाकी आर्मर्स इतना नुकसान पहुंचा चुके होंगे जिसके दुख के बोझ तले से तू कभी उबर नहीं पाएगा। तो इस हिस्से के लोगों को तो बचा लिया, तूने इस हिस्से के लोगों को तो बचा लिया, लेकिन बाकी लोगों को बचाने के लिए क्या करेगा? वैद्य एक निर्मूल आर्मर से ब्रिज को पूरी तरह से समुद्र में मिलाने के लिए तैयार है, कैसे रोक पाएगा तू इन्हें? शिव जूम शिव सुश राम राम मुंबई कर्स कैसका बरा है ये परमाणु? परमाणु मुंबई में अचानक कैसे? आज तो बचा लिया परमाणु ने, बोला था ना अभी काफी उम्र बाकी है हमारी। जाल में फंसाकर पकड़ी गई मछलियां तो खूब खाई होंगी, आज मछली की तरह खुद जाल में फंसना कैसा लग रहा है? खैर चिंता मत कीजिए, आप लोगों को ज्यादा देर तक जाल में बांधे नहीं रखूंगा, आप लोग आजाद हैं। अब जरा इस मुसीबत की जड़ की खबर ली जाए। डोगा तुम्हें मदद की जरूरत है? नहीं परमाणु, मैं इससे खुद निपट लूंगा। तुम धारा नगरी के ऊपर मंडरा रही चिड़िया को देखो, शायद लोमड़ी और कीर्तिमान को तुम्हारी मदद की जरूरत हो, क्योंकि अभी भी नॉर्मल खाना बंद नहीं हुआ। यू आर दी बॉस, जैसा तुम कहो। और हाँ, मदद के लिए शुक्रिया। पगले, अब रुलाएगा क्या? 800 फीट हाई ओवर धारा नगरी मुंबई। तो यह है वो उड़ती चिड़िया जिसके बारे में डोगा ने बताया था, लेकिन अभी तो ये किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं लग रही। ओह, ये तो वाकई मुसीबत का केंद्र है, लेकिन जब केंद्र मिल ही गया है तो उसे नष्ट करने में कितना समय लगना? इसका काम तो तमाम हुआ, अब जरा उड़ती चिड़िया के पर काटे जाए।
ओ, तो इस काम आता है ये हेली कैरियर। आम संख्या में ज्यादा नहीं है, बस इन्हें मिल रही है पावर को बंद करना होगा और काम खत्म। काम खत्म नहीं, परमाणु काम तमाम। ओ, ये कैसी रेस टकराई है मेरे शरीर से, किसने किया ये बात? तुम? हाँ, मैं, जीरो जी। मिलकर अच्छा लगा, ये मैं चाहकर भी नहीं कह सकता कि तुम ऐसा कहने की हालत में अब नहीं हो। खैर, तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन काफी देर हो चुकी। अब बेशक तुम इन निर्मूल आर्मर्स को निष्क्रिय कर दो, लेकिन मेरी गणना के अनुसार निर्मूल आर्मर्स अपने काम को अंजाम दे चुके हैं और इनका काम खत्म होते ही शुरू होता है मेरा काम। मैं अपनी उड़ान नियंत्रित नहीं रख पा रहा। जीरो जी ने मेरे शरीर के गुरुत्व को असंतुलित कर दिया। उसी तरह जीरो जी ने इन दोनों के शरीर का गुरुत्व बढ़ा दिया होगा, जिसके कारण ये फर्श से चिपके पड़े हैं। यानी कि धारा नगरी को जड़ से उखाड़ने का काम। निर्मूल आर्मर्स अब तक धारा नगरी के नीचे सुरंग बनाते हुए उसे इतना खोखला कर चुके होंगे कि ये रिवर्स ग्रेविटी बीम धारा नगरी को किसी बोतल पर लगे ढक्कन की तरह उखाड़ लेगी, और उस उखड़े हुए ढक्कन को मैं उसी तरह से समुद्र तल की गहराइयों में दफन कर दूंगा, जिस तरह से बोतल का ढक्कन किसी कचरे के डिब्बे की गहराइयों में दफन हो जाता है। ओह, ये तो बीम ओवरलोड बैकशॉक था। मतलब आर्मर्स ने जो ड्रिलिंग की है वह नाकाफी है। कोई बात नहीं है, मैं बीम की पावर बढ़ा देता हूँ, शायद इससे काम बन जाए, लेकिन बीम को चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं इसे ऑटो मोड पर सेट कर देता हूँ, मतलब कि मेरे पास समय है कि मैं इसे रोक सकूं। लेकिन कैसे? इस स्थिति में मैं अपने रॉकेट्स का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जीरो ग्रेविटी मेरे रिफॉर्मेशन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मैं ट्रांसमिट होने का रिस्क नहीं ले सकता। यही समस्या श्रिंक पावर के साथ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं 2 अगस्त के 5वें और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।